औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। यात्रा पीथमपुर से अकोलिया से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। यात्रा के संयोजक युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने बताया कि शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष परमेश्वर रघुवंशी और नगर पालिका प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाने के बाद आज यह किसान न्याय ट्रैक्टर रैली पीथमपुर से अकोलिया से आयसर चौराहा आजाद चौराहा सीसी टावर होते हुए इंदौर जाएगी। यह रैली इंदौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में होने वाली महारैली में शामिल होगी। इस रैली का उद्देश्य केंद्र और राज्य की किसान विरोधी भाजपा सरकार को, जो अडानी अंबानी के इर्द गिर्द घूमती है, सरकार की नीतियों के कारण देश प्रदेश का किसान गरीब होता जा रहा है। किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम न मिलने से उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है, जिससे कई किसानों ने कर्जों के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर ली है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार से मांग है किसानों की फसलों का उचित दाम तय किया जाए। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। किसानों की मांग है कि सोयाबीन 6000 रुपये प्रति क्विंटल ये सरकार करे, और सरकार को जगाने के लिए किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है, पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। मैं भी और हम सब किसान साथी सैकड़ों ट्रैक्टर लेके पीथमपुर से इंदौर के लिए रवाना हो रहे हैं। संदीप रघुवंशी जी, बताएं आज यहाँ किसान रैली में आप शामिल हुए हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी ये मांग है कि हमारे सोयाबीन का भाव 6 से 7 हज़ार रुपये चाहिए। किसान अपनी छाती सींच कर धरती से सोना उगाता है और उसे हमें कोई मतलब वो कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। हमारा सोयाबीन का भाव आज 3500-3800 रुपये में हम क्या खाएंगे, इतने तो हमारी लागत है। हमें 5 से 6 हज़ार रुपये सोयाबीन का भाव चाहिए, और ये हमारे हजारों सैकड़ों किसान आज ट्रैक्टर लेके आंदोलन करेंगे। हम यहाँ से एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार से, हमारी ये मांग है कि हमें सरकार 6 से 7 हज़ार रुपये मुआवजा देने का, हमारी मतलब कोशिश है कि हमें इतना मुआवजा चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंदू पटेल, मैं किसान नंदू पटेल, ग्राम खंडवा, अकोलिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।